चिराग पासवान राजनीति में अपने कदम जमाने से पहले बॉलीवुड में अपनी किस्मत अजमा चुके हैं। 13 साल पहले कंगना रनौत के साथ मिले ना मिले हम में काम किया था। जब दोनों पार्लियामेंट में एनडीए की मीटिंग के लिए टकराए तो उनके फैंस के चेहरे खिल उठे। इस बीच अब चिराग पासवान का एक पुराना इंटरव्यू सामने आया है जिसमें उन्होंने कंगना को लेकर ये बात कही है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से ही मंडी की सांसद कंगना रनौत और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान लगातार चर्चा में बने हुए हैं। चिराग पासवान राजनीति से पहले बॉलीवुड में अपनी किस्मत अजमा चुके हैं। 13 साल पहले उन्होंने बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत के साथ मिले ना मिले हम में काम किया था। बड़े पर्दे पर फिल्म बुरी तरह से पिट गई और दोबारा कभी चिराग पासवान ने भी फिल्मों में अपनी किस्मत नहीं अजमाई। इसके कई सालों बाद चिराग पासवान और कंगना रनौत की मुलाकात एनडीए मीटिंग के लिए पार्लियामेंट में हुई। अब हाल ही में चिराग पासवान का एक पुराना इंटरव्यू सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि वह शुक्रगुजार है कि उन्होंने उस वक्त बॉलीवुड छोड़ दिया, वरना कंगना रनौत की कुछ बातों से वह नहीं बच पाते। तनु वेड्स मनो एक्ट्रेस कंगना रनौत बॉलीवुड की सबसे धाकड़ अभिनेत्रियों में से एक हैं। वह किसी भी बात को बोलने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती हैं। इसकी सराहना खुद चिराग पासवान भी कर चुके हैं। हाल ही में हाजीपुर से लोकसभा चुनाव में जीतने वाले नेता चिराग पासवान का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने बॉलीवुड क्यों छोड़ा इसकी वजह बताई है। ब्रूट इंडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, मैंने बॉलीवुड नहीं छोड़ा, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मुझे लगता है मैं उसके लिए नहीं बना था और जल्द ही इस बात का एहसास भी मुझे हो गया था। एक बचपन का शौक होता है, स्कूल कॉलेज में आपके दोस्त बोलते हैं ना कि हैंडसम दिख रहा है, चढ़ा देते हैं वो, इसी चक्कर में मैं बस चला गया वहां पर। संजोग से मुझे एक फिल्म भी मिल गई। चिराग पासवान ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे जो फिल्म मिली वो कंगना रनौत के साथ ही थी। मैं खुश हूं कि कंगना रनौत के साथ मैंने ये फिल्म उस वक्त की। आज कर रहा होता तो जिस तरह से उन्होंने नेपोटिज्म के मुद्दे को हाईलाइट किया है उसमें तो मेरी ही क्लास लगती कि तुम जैसे लोगों ने ही जिंदगी बर्बाद की है। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने बीते दिन थप्पड़ विवाद में भी कंगना रनौत को सपोर्ट किया था और उन्हें एक मजबूत महिला बताया था। फॉर मोर बॉलीवुड न्यूज प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल बॉलीवुड हिकअप्स।